हेलो फ्रेंड्स, ये तो हर कोई जानता होगा कि शनि देव को न्याय का देवता कहा जाता है। धार्मिक शास्त्रों के अनुसार भगवान शंकर ने उन्हें न्यायाधीश का दर्जा दिया है, यानी कि शनि देव इंसान को उसके कर्मों के हिसाब से फल देते हैं। कहते हैं कि जिस किसी पर शनि की टेढ़ी नजर पड़ जाती है, उसे अपने जीवन में बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लेकिन क्या आपको शनि की नजर अशुभ होने के पीछे का कारण पता है? तो चलिए आज आपको उन अशुभ नजर के संकेत बताते हैं और साथ ही शुभ नजर के पीछे की कहानी भी बताते हैं। दरअसल शनिदेव की शादी एक ऐसी कन्या से हुई थी जो बहुत ही उग्र स्वभाव की थी। एक बार शनिदेव की पत्नी को पुत्र की लालसा हुई तो वो मन में प्यार की भावना रखकर शनिदेव के पास पहुंची। लेकिन शनिदेव भगवान की भक्ति में लीन थे और वो इस कदर लीन थे कि उन्हें अपनी पत्नी के पास होने का एहसास तक न हुआ, जिससे गुस्सा होकर उनकी पत्नी ने उन्हें श्राप दे दिया कि जिस पर आपकी दृष्टि पड़ेगी उसका सब कुछ नष्ट हो जाएगा। यही वजह है कि शनि की नजर को अशुभ माना जाता है। इसलिए शास्त्रों में कहा गया है कि कभी शनिदेव की प्रतिमा की आंखों में आंखें मिलाकर दर्शन नहीं करने चाहिए और हमेशा उनके पैरों की तरफ देखकर ही दर्शन करने चाहिए और तेल चढ़ाना चाहिए। चलिए आपको बताते हैं शनिदेव की अशुभ नजर के पीछे के क्या संकेत होते हैं। शनि की अशुभ छाया का सबसे बड़ा संकेत होता है पैसों का नुकसान होना, यानी अचानक से आपकी आर्थिक स्थिति बिगड़ने लग सकती है। और अगर अचानक आपकी कोई सबसे प्यारी चीज खो जाए तो समझ जाइए कि आप पर शनिदेव की टेढ़ी नजर है। इसके अलावा अगर आपके पैरों से जुड़ी कोई परेशानी होने लगे तो इसका अंदाजा लगाया जा सकता है कि शनिदेव की अशुभ छाया आप पर पड़ रही है। इसी बीच अगर बनते काम बिगड़ने लगे या घर में पालतू जानवर की अचानक मौत हो जाए तो ये भी शनि की टेढ़ी नजर के अशुभ संकेत हैं। तो ऐसी कुछ और मजेदार बातों को जानने के लिए सब्सक्राइब करें पंजाब केसरी का यूट्यूब चैनल कुंडली टीवी। बाय बाय फ्रेंड्स।